दोस्तों आप देख पा रहे हैं साइट पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे नीचे की जो बीम है वो डल चुकी है। और डलने के बाद में जो मतलब ठेकेदार है और उसने क्या मिस्टेक की है, अगर आप भी बनवा रहे हैं तो आप भी इस तरीके की मिस्टेक ना करें। आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो ईंटा लगे हुए हैं, ठीक है, बीम डलने जो शटरिंग लगाई और ईंटा लगे हैं और अब ये ईंटा निकलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और ये जब निकलेंगे पूरे मतलब प्लॉट की ईंटा, तो इसमें बहुत सारे ईंटा ऐसे हैं जो टूट जाएंगे। तो इस सब से बचने के लिए एक काम कर सकते हैं आप, और वो काम ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये कंक्रीट है, कंक्रीट का जो गीला मसाला जब इसमें डला होगा और साथ में ये ईंटा लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इस ईंटे ने इस तरफ का पूरा जो स्ट्रेंथ है ना वो खींच लिया है अपनी तरफ, क्योंकि ईंटा सूखा है और उस तरफ उसने खींच लिया है। अब उसमें क्या है कि उतनी मजबूती नहीं रही गई, ठीक है, क्योंकि जो मतलब कंक्रीट का जो पानी है वो पूरा का पूरा ये ईंटा खींच लेते हैं। तो ये और दूसरी बात क्या है कि ये इसमें अच्छी तरीके से सेट भी हो जाते हैं, तो दूसरी बात ईंटा भी टूट रहा है और आपकी उतनी मजबूती भी नहीं आ रही है। तो आपको करना क्या है कि जिस तरीके से ये शटरिंग लगी थी और इस शटरिंग के बीच में इससे इसमें साइड में इस तरफ और उस तरफ आप पन्नी लाते, बहुत पतली पन्नी आती है, ठीक है, वो पन्नी ला करके आप इसमें डाल देते, ठीक है, इस तरीके से ऐसी ऐसी करके डाल देते और ऊपर से रख देते। और जब दोनों साइड में पन्नी हो जाती, ठीक है, इसके बाद में आप इसमें ढलाई करते, कंक्रीट ढलाई करते, तो दोस्तों होता क्या कि ये जो आपके ईंटे हैं ना एकदम अच्छी तरीके से निकल आते, तुरंत के तुरंत निकल जाते, बिना एक भी ईंटा फूटे हुए आपका ईंटा निकल आता और जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत रहती, ठीक है ना। तो दोस्तों आप ये ज़रूर करें, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है ना।